हाय दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजाट्रिक्स माई नहीं कह सकते आवर यूट्यूब चैनल रेजाट्रिक्स। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब बात करने वाले हम जिस टॉपिक के बारे में, वो तो आपने हेडिंग पर पढ़ ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम अपने फ़ोटो पर टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि कुछ लिखकर उसे ये करेंगे। जैसे कि इस फोटो में लिखा हुआ है यहाँ पर लकी कैश, तो जिस तरह लिखा हुआ है वैसे हम चाहे तो हम भी अपने फ़ोटो पर लिख सकते हैं दूसरी चीज़, दूसरा नाम हो जो मन करे वो। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, हम कैसे लिखेंगे वो आप बोले चलते हैं अपने फ़ोटो पर। जैसे कि मानो कि मैंने ये एक मिनट, ये मैंने फ़ोटो लिया, ठीक है, मैंने इसको अपने पिक्सआर्ट में शेयर किया। आप लोगों को डाउनलोड करना होगा ये एप्लीकेशन, जो मैं बता दूंगा कि कहां से और कैसे डाउनलोड करना है लास्ट में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। पहले आप देख सकते हो कि मैं कैसे इसमें ये करूंगा। तो ये आगे हमारा फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद इस यहां से इसको स्क्रॉल करना है, इधर इधर करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस पर टेक्स्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है हमें। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, इसमें जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा NATURN नेचुरल, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये इसे यहाँ से ये वाला क्लिक करके ये बड़ा करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम कहाँ थे, ये जैसे कि मैंने कि ये टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये इसका ये निशान है ना, तो इस पर क्या करना है, इसको इधर और इधर करना है। तो ये क्या होगा, टेक्स्ट हमारा बड़ा होगा छोटा होगा, तो हमें जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा रख लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इधर खसकाना है, इसको क्लिक करके जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, थोड़ा सा छोटा मैंने किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर दिया, लेकिन ये कलर सादा दिख रहा है, तो इसका इसमें कलर कैसे भरेंगे, यहाँ पर आओ। जैसे कि मैंने कि ये टेक्स्ट को ये कर दिया, इसमें जो मन है वो उसको उसका टेक्स्ट अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट अलग अलग भी है, जैसे कि ये सब देख सकते हो आप, मैंने आपको जो पसंद है वो रख सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे कि इतना फैंसी फैंसी फ्रेंड्स है, ये देखो छोड़ो फ्रेंड्स, मैंने ये सिंपल वाला ले लिया एरियल एचीव ब्लैक, और कलर पर क्लिक किया। कलर यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं इसका कलर अलग अलग सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ये तो एक कलर की बात है, और इसमें जो मन करे वो कलर रख सकते हो आप, ठीक है। मैंने वाइट का कलर लिया, और एक और होती है इसमें कलर का सेकेंड ऑप्शन होगा ग्रेडियंस का ऑप्शन होगा, ग्रेडियंट का ऑप्शन, उसमें चाहो तो देखो फ्रेंड्स ये क्या है। अब आपको बता देना चाहते हैं, इसमें कलर मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी दिखेगा, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसमें ब्लैक कलर को हटा के मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लुक आ रही है इसकी, आ रही है ना। एक ये है, और एक और बता देना चाहते हैं कि टेक्सचर क्या है इसमें से। जैसे कि मैंने कोई फ़ोटो लिया मानो ये, तो इसका टेक्सचर उसमें दिखेगा, देखो प्लेन का, यानी कि जो जैसे कि ये कलर है, तो इसको सेलेक्ट किया तो वही दिखेगा उसमें, वही फ़ोटो का कलर आएगा उसमें, देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने एक सिंपल वाला कलर ले लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब स्टॉक में। स्टॉक तो अगर जो फ़ोटो एडिट या बनाना जानते होंगे वो उनको पता होगा स्टॉक, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आप देख सकते हो, जैसे कि स्टॉक ये हुआ, चलते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये है
देखो स्टॉक क्या है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ देखो स्टॉक क्या है फ्रेंड्स, ये रहा स्टॉक, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं कैपेसिटी की बात। कैपेसिटी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना दिखाना है कितना छुपाना है, ये है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो दरअसल हम पूरा रखते हैं। उसके बाद है ब्लेंडिंग का ऑप्शन। इसमें देखो आप फ्रेंड्स, जैसे कि ये मैंने यहाँ लिया ना, ब्लेंडिंग में स्किन कर दिया, मल्टीप्लाई किया, डार्कन किया, लाइटन किया, ओवरले, एड, सब करके देखो जो मन है फ्रेंड्स उसको रख सकते हो। अब आते हैं शेडो की बात करते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा टेक्स्ट नहीं दिखता, उसके लिए हमको शेडो डालना पड़ता है। तो शेडो में कलर में आ जाओ, कलर में जैसे कि मैंने वाइट कलर का डाल दिया शेडो। पोजीशन इसकी देखते हैं, पोजीशन ये लोग देखो, ये रहा हमारा शेडो, पीछे से देख रहे हो ना फ्रेंड्स, वो शेडो रहा हमारा। उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी पूरा कर देते हैं। ब्लर की बात करते हैं, ब्लर थोड़ा सा करते हैं या फिर पूरा करेंगे। तो ये हुआ इसकी पोजीशन, क्या करेंगे फिर मैं इसके नीचे ला दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं बेंड का ऑप्शन। देख सकते हो बेंड में, जैसे कि टेक्स्ट को चाहे तो हम मोड़ भी सकते हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद और जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं मोड़ कर भी। तो ये थी टेक्स्ट की बात कि कैसे कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और भी चाहे तो यहाँ से इस टेक्स्ट को यहाँ रख दिए, और चाहे तो यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर नया कुछ लिखना हो उसको लिख दिए, और उसके बाद ओके करके इसको भी ला दिए, और इसमें भी एडिट कर सकते हैं, इसको छोड़ के इसमें भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रख देंगे और इसको हटाना हुआ अगर गलत टाइप हो गया तो इस पर डबल क्लिक करो तो इसको फिर से लिखने के लिए आ जाएगा, नहीं तो और नहीं तो इसको छोड़ दो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया कट वाले निशान पर, ये कट का निशान जो दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो हट जाएगा ये। उसके बाद इसको नीचे लाया और यहाँ ओके पर क्लिक किए। ओके पर क्लिक करने के बाद इस यहीं पर एक और ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक किए। उस पर क्लिक करने के बाद इसमें सेव का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव पर करेंगे तो ये क्या होगा अपने फाइल में सेव हो जाएगा। तो ठीक है, ये थी अपनी आज की ट्रिक्स। ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।